नमस्कार, मैं त्रिप्यारी मिश्रा, आप देख रहे हैं देवभूमि न्यूज। देवभूमि न्यूज की टीम आज पहुंची है ग्राउंड जीरो पे और मैं इसमें मौजूद हूं। आप देख सकते हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में मैं मौजूद हूं, जहां पे कल एसटीएफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें जो भर्ती घोटाला था, कहीं ना कहीं भर्ती घोटाला हुआ था, वो भर्ती रद्द कर दी गई थी, जिसके बाद आयोग द्वारा एक पुनः एक डेट दी गई है 12 फरवरी को, कि जो पटवारी की भर्ती थी वो 12 फरवरी को दोबारा की जाएगी। लेकिन जो यहाँ पे युवा थे वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनका सीधे तौर पे कहना था कि जो 12 तारीख को परीक्षा होने वाली है, दोबारा जो परीक्षा रीपरीक्षा होने वाली है, उसमें घोटाला होगा कि नहीं होगा, इसकी गारंटी कौन देगा? क्योंकि जो चतुर्वेदी थे कहीं ना कहीं वो मास्टर माइंड थे। चतुर्वेदी इसी लोक सेवा आयोग में एक बड़े पोस्ट पे अधिकारी थे, जिनके द्वारा ये पेपर लीक किया गया था। उसके बाद इसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और आज हरिद्वार के इस उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने हल्ला बोल किया था। उसके बाद युवाओं ने काफ़ी आक्रोशित यहाँ पे थे, जिनकी भर्तियाँ हो चुकी हैं और जो जिन्होंने परीक्षा दी है उनका ये साफ तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो परीक्षाएं हो चुकी हैं कहीं ना कहीं उसको भी जांच की ज़रूरत है। और आप देख सकते हैं कि इस तरह से लगातार यहाँ पे प्रदर्शन हो रहे थे, तो आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे पुलिस जो है ये ज़बरदस्ती इन्हें हटाया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि ये यहाँ का माहौल है। पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं है, क्योंकि एक दिन में ही पेपर का पता चलता है कि लीक हुआ, फिर उसी दिन में ये अपने आप डिसाइड भी कर ले रहे हैं कि पेपर को हम रद्द कर दे रहे हैं, फिर एक ही दिन में ये डेट भी दे रहे हैं। ऐसा कैसे कर सकते हैं ये कि एक दिन, एक महीने का गैप देने के बाद तुरंत ये कर दे रहे हैं? ये तो सरासर नाइंसाफी है। अभी इनको पेपर नहीं कराना चाहिए। बड़ी मुश्किल से तो हमने मेंस के तैयारी करते करते हमने ये दिया, अभी फिर दोबारा से पेपर देना है? ये गलत बात है। पहले जाँच होनी चाहिए, फिर उसके बाद ही पेपर हो पाए। और अभी ये मेन्स का, UKPSC मेन्स का भी है, उसमें भी हम कैसे सेटिस्फाई हो कि पेपर इन्होंने लीक नहीं किया है? वो तो आसान है, ओरली लीक कर दिया होगा उसको, तो इन्होंने उसका तो कोई प्रूफ भी नहीं होगा। दूसरी बात, अभी जो PCS है हमारा, उसका महिला आरक्षण भी अभी अटका हुआ है, अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आया है। अभी कम से कम आयोग को ये तो देखना चाहिए कि अभी पहले डिसीजन आए, उसके बाद ही एग्ज़ाम करवाओ। और फिर अभी जो बिल आया है महिला आरक्षण को लेके, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि ये बिल अगले सेशन से लागू होगा, तो इस सेशन का क्या? कोई भी निष्पक्षता पारदर्शिता नहीं है। तो पहले आयोग की जाँच हो और उसके बाद ही सारे एग्ज़ाम करवाए, स्पेशली जो PCS मेंस है और ये जितने भी एग्ज़ाम, पहले जांच हो फिर उसी के बाद करवाए जाए, अभी ऐसे पेपर ना करवाए जाए। मैंने भी पटवारी का पेपर दिया था, 84 मार्क्स थे मेरे, अच्छे ही मार्क्स थे, मुझे 7 दिन मिले थे तैयारी के लिए। उससे पहले मैं FRO का पेपर देने भी यहीं आया था मेंस, उसकी भी गारंटी नहीं है। पटवारी का उन्होंने रद्द कर दिया। इससे पहले वीडियो में 78 मार्क्स में सेलेक्ट था, DV करवाने के बाद 6-8 महीने में घुमाया, उसके बाद वो भी रद्द कर दी। अभी RO के मेंस दिए थे, FRO के मेंस दिए थे, लोअर के मेंस दिए थे, उनकी क्या गारंटी की इन्होंने उसमें घोटाला नहीं किया? अभी सर 28 से हमारा अपर का मेंस है, तो प्लीज़ अगर वो बच सके तो उसको बचा लीजिए जितना भी हो सके। लोअर का अभी तक मेंस का रिजल्ट नहीं आया है, उसको आपको बचाना ही सर आपका भी इसमें दायित्व बन जाता है। बाकी सर पटवारी है, 7 दिन तैयारी, दोबारा तैयारी करेंगे, इसके अलावा कुछ है भी नहीं हमारे पास। लेकिन जिस प्रकार से ये फर्जीवाड़ा पड़ा गया है, यहाँ के अधिकारी ने पर्चा लीक करवाया है, तो क्या इस जो लोक सेवा आयोग है उसकी विश्वसनीयता बनी हुई है कि खत्म हो गई है? सर विश्वसनीयता तो नहीं है। जब ACF का में एक बार मेंस देने आया तब भी हमने सुना था कि इन्होंने कुछ ऐसा किया है। प्रवक्ता में इनकी वीडियो भी लीक हुई है सर, यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई है, UKPSC के एक ऑफिसर्स हैं जो मेंबर है और किसी महिला अभ्यर्थी के साथ। उसके बाद भी ACF में 2 या 3 मार्क्स से मैं रहा था फाइनल। इतने पेपर देने के बाद भी सर ठीक है, मैं अपनी गलती मान लेता हूँ, मेरा नहीं हुआ होगा, लेकिन सर अब सामने ही आ गया। सेक्शन ऑफिसर छोटे अधिकारी नहीं होते सर, 1-1.5 लाख को सैलरी ले रहे, अगर वो भी इतना पैसे के लिए इतना गिर सकते हैं तो सर और कौन कौन बचा होगा सर आयोग? ये सर आयोग के अध्यक्ष राकेश कुमार जो महाभारत में थे सर, धृतराष्ट्र उनका काम करे, और उनके संजय संजीव जो है वो आपके सामने ही है सर। अब विश्वसनीयता तो सर बनती नहीं है जब तक पहले जांच कराए, और हमारा जो मेंस है उसको थोड़ा पीछे ले जा सकते हैं एक प्रॉपर जांच के बाद, हम अगर अपना अपर PCS का मेंस दे तो शायद सर ठीक रहेगा। सर मैं ये चाहती हूँ सर कि जो हमारी मेंस है PCS के मेंस, जो राज्य की सबसे बड़ी सिविल सेवा है, ये अभी इस टाइम पे तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए सर, जब आयोग पूरे ही संदेह के घेरे में है सर। अभी अभी इन्होंने UK SSSC से ये पटवारी वाला एग्जाम, जितने उसके एग्जाम थे आयोग को दिए, आयोग निष्पक्ष तरीके से करेगा, लेकिन हुआ नहीं सर। वो भी सब यहाँ पे पता चल गया कि ये नहीं कर सकते, एक दिन में ही इनका सब कुछ निकल गया। तो हम ये चाहते हैं सर कि अभी जो हमारा ये पेपर है, जो ये मेन्स है 28 से 31, ये अभी बिल्कुल ना हो सर, इनकी पूरी तरीके से जाँच हो, अच्छे से जाँच हो
कि ये पेपर जो है लीक नहीं हुए हैं, हम सही से करवा के फिर ये हमारे एक दो महीने आगे करवा के करवाएं सर। हम इतने एक साल से हम पढ़े हैं सर, बैठे हैं, बैठ के पढ़ रहे हैं, लेकिन आज हम देखो हमारा एडमिट कार्ड आ चुके हैं लेकिन हम आयोग के बाहर खड़े हो रुके हैं। हमारा भी तो एक ऐसा टाइम है ना सर, पढ़ने का टाइम, अभी तो हमें पढ़ना चाहिए लेकिन हम पढ़ नहीं रहे, यहाँ पे क्यों आ रखे सर? इसीलिए आ रहे कि हमारा एग्जाम अभी बिल्कुल भी ना हो सर, 28 से 31 में तो बिल्कुल भी ना हो, सारी जांच हो, अच्छे से जांच होने के बाद ही ये हो सर, आगे हो सर, बस यही है। और एक ही महिला आरक्षण था, इसमें इन्होंने बिल्कुल भी क्लियर नहीं करा हुआ है। ये एक्ट लेके आगे, लेकिन एक्ट में लिखा हुआ है कि जो ये महिला आरक्षण ये आगे के पेपर में, आगे के जो आगामी जो परीक्षाएं उनके लिए दिया जाएगा, अभी नहीं दिया जाएगा, तो फिर सर हम क्या करें? और ऑलरेडी ये 85 एक सीट पे 85 बच्चों को लेकर रखे हुए, कॉम्पिटिशन ऑलरेडी इतना है, तो हम फिर कहाँ जाएं सर? हम इसीलिए आयोग में ये इसीलिए आए हुए हैं कि सब अच्छे से जांच हो फिर जाके ये परीक्षाएं हों।